इस क्वेश्चन में आपको टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठा लेते हैं, से दैट इज LHS, और हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये हटा देते हैं, ये प्रूफ करना है आपको। आपके पास टेन इनवर्स x, कहेंगे सिंस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? हमेशा ये नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब x और y का प्रोडक्ट एक से कम आए, ठीक है। तो पहले आप ये वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है, अगर ये वेरीफाई हो रहा है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज आपके लिए अलग अलग दो फार्मूले और हैं। खैर हम इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ये उसके लिए ट्रू है। तो हम पहले ये वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे पास x क्या है, आपके आपका 2/11 है, तो x इज 2/11, y क्या हो गया आपका, y हो गया 7/24, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 2/11 इंटू 7/24। अब देखिए ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो प्रोडक्ट तो आना ही है एक से छोटा, है ना, कैंसिल कर दीजिए, ये 12 आ गया, तो 7/11 इंटू 12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये कुछ ना कुछ आएगा, ये तो हमेशा एक से छोटा ही आएगा, दैट इज़ स्मॉलर देन 1। इसका मतलब इस प्लेस पे हमें ये फॉर्मूला वैलिड है, हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी देयर फोर टेन इनवर्स ऑफ 2/11 क्या हो गया x और प्लस y का मतलब कितना हो गया 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन सिर्फ सॉल्व कर लेनी है। अब देखिए 24 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 11 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा फिर 24 इंटू 11, और सबके नीचे कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 11 इंटू 24। वही काम यहाँ पे कर लीजिए, है ना, कैंसिल वेंसिल मत करिएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसके नीचे 1 है तो 1 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 14 में, और ये 11 इंटू 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24, और ये सबके नीचे हो जाएगा 11 इंटू 24 ये आप एक स्टेप ले लीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये 11 इंटू 24 और ये 11 इंटू 24, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इनको यहीं पे रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो डिनोमिनेटर फ्री हो गया आपका, वो ऊपर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी आपका, डिनोमिनेटर फ्री हो गया। अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स ऑफ 48 और प्लस 77 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 11 फोर जा 44, 4 कैरी हुआ, 11 टू जा 22 और 4 26 हो गया, माइनस 4 आ गया। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8, 7, 15 टेन इनवर्स ऑफ 5, 8, 7, 15 और 7, 4, 11, 12 ओवर, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 2, 2 जा 4 ये आ गया आपका 260। अच्छा यहाँ 7 था आपका, है ना, तो 7 इंटू 2 14 होगा यहाँ पे, सॉरी, अब 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। अब देखिए 125 टू जा कितना हो गया आपका, तो दैट कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स ऑफ 1/2, और यही आपका क्या है, RHS है, हैंस प्रूफ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक ही जगह अलर्ट रहना है जब ये फॉर्मूला सेलेक्ट करते हो कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y कौन सा हम अप्लाई करें।